as we are discussing recursive functions, कोई भी ऐसा algorithm या functions जो कि problem को iteratively solve कर सकता है by reducing its input size and by calling itself again. कोई भी ऐसा algorithm जो कि किसी एक problem को solve कर सकता है, दो steps लेने हैं. First, by reducing its input, कि पहले अगर input का size ज्यादा था तो अब input का size कम हो गया, and by calling the same function or same algorithm. यानी कि हमने कोई नई फंक्शनैलिटी या नया फंक्शन ही कॉल किया, सेम को फंक्शन को दोबारा कॉल किया है बाय रिड्यूसिंग द इनपुट साइज एंड इट कैन सॉल्व द सेम प्रॉब्लम जो कि ओरिजिनली हमें प्रोवाइडेड थी. और किसी भी एल्गोरिथम को ऐसे लिखने के लिए हमें उसको दो डिफरेंट स्टेप्स में डिवाइड करना होगा या हमें उसकी दो डिफरेंट कंडीशंस फाइंड करनी होगी. एक फर्स्ट स्टेप इज बेस स्टेप and second step is recursive step. बेस स्टेप में हम क्या करेंगे, हम उसकी टर्मिनेटिंग कंडीशन फाइंड करेंगे कि मिनिमम इनपुट पे ये क्या रिजल्ट देगा. कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 10 एलिमेंट्स की एक अरे दी गई थी तो अगर सिंगल एलिमेंट पे वो ऑपरेशन परफॉर्म करना हो तो उसका क्या रिजल्ट आएगा, दैट इज बेस स्टेप. एंड रिकर्सिव स्टेप मीन्स कि उसने दोबारा अपने आप को सेम फंक्शन को कॉल करना है. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड टर्मिनेटिंग कंडीशन. कि सबसे सिंगल एलिमेंट के किस ऐसी कंडीशन पे जाके आपने फंक्शन को टर्मिनेट करना है. लेट्स कंसीडर सम एग्जांपल्स. अगर हमने पावर का फंक्शन लिखना है कि फॉर एग्जांपल किसी एक एलिमेंट ए की पावर हमने n लेनी है, उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है. फॉर एग्जांपल ए की पावर 5 का हमने सॉल्यूशन फाइंड करना है. इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, डिवाइड करके a into a की पावर 4, इसको फर्दर a इंटू ए की पावर 3, इसी तरह हम ड्रॉप डाउन करके a इंटू ए की पावर a की 1 इंटू ए की पावर 0. a की पावर 0 इज द मिनिमम यूनिट जिसका आंसर है 1. तो इसको लिखते हैं, क्या हमारा फंक्शन बनेगा, इनपुट्स क्या लेगा, a एंड n. तो सबसे पहले हम अपना बेस स्टेप लिखते हैं. बेस स्टेप हमारा क्या है, a की पावर अगर 0 आ जाए, मीन्स अगर n 0 आ जाए, इफ n इज इक्वल टू 0 आ जाए, देन return 1, else में क्या करते हैं, हम सेम एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं विद सेम फंक्शन विद वन लेस एलिमेंट, रिटर्न (a) into power (a n minus 1), सेम एलिमेंट जो कि multiply by same function with one less input, (a) into n minus 1. कि वो इसी फंक्शन को कॉल करता रहेगा जब तक उसके पास 0 नहीं आ जाता. इसको सॉल्व करके देखते हैं. p of 4 के लिए सॉल्व करते हैं, p of 2 4 के लिए हम सॉल्व करते हैं कि हमने 2 की पावर 4 लेना, दैट इज 16. हमने क्या किया, सबसे पहले कॉल किया फंक्शन, n इज इक्वल टू 0 नहीं था, ये n है हमारे पास, ये हमारे पास a है. n 4 था, 0 नहीं था, उसने ये कॉल कर दिया. यहाँ पे क्या हुआ है, 2 into power of 2 n minus 1, दैट इज 3. इसको सॉल्व करने गए हैं, इसने क्या किया, 2 into power of 2 2. इसको सॉल्व करने गए हैं, इसने क्या किया, 2 into power of 2 1. इसको सॉल्व करने गए, इसने क्या किया, 2 into power of 2 0. इसको सॉल्व करने गए हैं, बेस स्टेप आ गया, n इज इक्वल टू 0 है, इसने 1 रिटर्न कर दिया, 1. ये 1 आके यहाँ पे रिप्लेस हुआ है, 2 into 1 is equal to 2. ये वाला 2 आके यहाँ पे रिप्लेस हुआ है, 2 into 2 is equal to 4. ये वाला 4 यहाँ पे आके रिप्लेस हुआ है, 4 into 2 8. ये वाला 8 यहाँ पे आके रिप्लेस हुआ है, 8 into 2 16. और हमारे पास फाइनल आंसर आ गया है.